ऐसा टाइपिंग टेक्स्ट बनाने के लिए पहले एक एलिमेंट बना लो जिसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। इस एलिमेंट को कर लो सिलेक्ट। अब हमें इस स्ट्रिंग का एक एक करेक्टर थोड़े थोड़े डिले में इस एलिमेंट में ऐड करना है, तो यूज़ करेंगे सेट इंटरवल का। तो इसमें देंगे एक फंक्शन जो बार बार रन करना है और कोमा लगा के डिले मिलीसेकंड्स में। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट कॉन्टेंट प्रॉपर्टी का। पर हमें इस स्ट्रिंग का स्मॉल पार्ट चाहिए, तो यूज़ करेंगे सब स्ट्रिंग मेथड का। इसमें दे दो स्टार्ट और एंड इंडेक्स वैल्यू। अब इस एंड इंडेक्स की वैल्यू एक एक करके हमें बढ़ाती जानी है, तो इसका एक वेरिएबल बना लो और कर दो इंक्रीमेंट। अब हर 100 मिलीसेकंड्स के बाद ये वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी। तो इस एंड वैल्यू को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, तो ये वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लगा देंगे एक इफ स्टेटमेंट कि जब भी ये वैल्यू टेक्स्ट की लेंथ के बड़ी हो जाए, हमें ये सेट इंटरवल करना है स्टॉप। तो लिखो विंडो डॉट क्लियर इंटरवल, और इसमें हमें देनी होगी सेट इंटरवल की आईडी। तो सेट इंटरवल हमारा आईडी रिटर्न करता है, तो इसको वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और यहाँ पर दे दो। अब हमारी प्रोसेसिंग पावर वेस्ट नहीं हो, तो चलिए अब बनाते हैं इस इफेक्ट का लूप। तो काफ़ी सिंपल है, जब भी हमारी एंड वैल्यू स्ट्रिंग के लास्ट में पहुँचे, हमें उसको दोबारा से स्टार्टिंग पे सेट करना है ताकि ये इफेक्ट चलता रहे। ठीक है, लेकिन अगर ये टेक्स्ट जब पूरा टाइप हो जाए तो थोड़ी देर के लिए हमें टेक्स्ट वहाँ पर होल्ड रखना है ताकि यूज़र उसको पढ़ सके। तो अब एंड वैल्यू टेक्स्ट की लेंथ पर पहुँचते ही रीसेट हो रही है, तो इसमें कर देंगे कुछ ऐड। अब एंड वैल्यू रीसेट होने में थोड़ा और टाइम लगेगी, और डिले को कम या ज़्यादा करने के लिए आप इस वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो एकदम रीसेट होने के बजाय ऐसा लगना चाहिए जैसे कीबोर्ड पर बैकस्पेस प्रेस कर दिया हो। तो एक एक करके हमें करेक्टर इस स्ट्रिंग से कम करते जाने हैं। तो मान लो अगर हमारी एंड वैल्यू पहुंच जाए 13, तो सिंपली हमें एंड वैल्यू में डिक्रीमेंट करना। तो कब हमें इंक्रीमेंट करना है और कब डिक्रीमेंट, तो इसके लिए हम बना लेंगे एक बुलियन। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो हमें इंक्रीमेंट करना है। इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं, और जब भी एंड वैल्यू लास्ट में पहुंच जाए हमें इस बुलियन की वैल्यू सेट कर देनी है फॉल्स, और इफ के बाद लगा देंगे एल्स। तो जब ये बुलियन फॉल्स हो जाएगा हमें एंड वैल्यू डिक्रीमेंट करते जानी है। तो पहले ये हुई इंक्रीमेंट, अब ये बुलियन सेट हो गया फॉल्स, और अब होगी ये डिक्रीमेंट। बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अब हमारी एंड वैल्यू नेगेटिव में जाती जा रही है, तो उस तरफ भी लगानी होगी एक कंडीशन कि जब एंड वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए तो दोबारा से इस फॉरवर्ड्स को कर दो ट्रू। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अब दोबारा से फॉरवर्ड, परफेक्ट। अब मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं जिनको हमें एक एक करके टाइप करना है। तो एक स्ट्रिंग की एरे बना लो जिसके अंदर की स्ट्रिंग्स हमें एक एक करके दिखानी है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग दिखाने के लिए लिखो एरे का नाम और उस स्ट्रिंग का इंडेक्स, और नेक्स्ट स्ट्रिंग पे जाने के लिए हमें ये वैल्यू करनी होगी इंक्रीमेंट। तो इसका भी बना लेंगे एक वेरिएबल। तो पहले हमारी स्ट्रिंग फॉरवर्ड टाइप होगी और ये कंडीशन रन हो जाएगी, और फिर स्ट्रिंग बैकस्पेस होगी, तो उसके बाद ही हमें नेक्स्ट स्ट्रिंग पे जाना है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को कर देंगे इंक्रीमेंट। तो पहले हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी, फिर सेकंड स्ट्रिंग, और उसके बाद इस टेक्स्ट काउंट की वैल्यू एरे के बाहर चली जाएगी। तो लगानी होगी एक और कंडीशन, जब भी इसकी वैल्यू इस एरे के लेंथ के इक्वल आ जाए तब हमें दोबारा से इसकी वैल्यू जीरो सेट करनी है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, और ये दोबारा से आ गई है फर्स्ट पे। अब नेक्स्ट लेवल पे हमें स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा फिक्स रखना है और आगे के पार्ट में टाइपिंग इफेक्ट लगाना है। तो जो टेक्स्ट हमें फिक्स रखना है उसको HTML में डायरेक्ट लिख लो, और उसके आगे एक और एलिमेंट बना लो। तो ले लेंगे एक स्पैन जो है इनलाइन एलिमेंट। अब इस स्पैन के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू टाइपिंग टेक्स्ट इंसर्ट कराना है, तो इस स्पैन को कर लेंगे सिलेक्ट, और इन स्ट्रिंग्स को अपने हिसाब से कर दो चेंज। नाइस। अब इस इफेक्ट को स्लो या फास्ट करने के लिए इस मिलीसेकंड शो कर दो कम या ज़्यादा। तो इसी के साथ बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ। बाय।